हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबीन किचन। आज हम बनाने वाले हैं दो तरीके के फड, और मैं आपको चीला बनाने का तरीका भी बताऊंगी। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है डोसा का बैटर। मैंने आपको ये पहले भी डोसा बनाते जब दिखाया था, डोसा का बैटर। धनिया पत्ता कटा हुआ, 5 से 6 बारीक कटी हुई प्याज, 8 से 10 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कद्दूकस किया हुआ कच्चा नारियल, तेल, नमक, हल्दी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों के लिए बनाएंगे, क्योंकि बच्चे मिर्च और प्याज नहीं खाते, इसलिए पहले बच्चों के लिए बनाएंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा डोसे का बैटर लेंगे। इसमें आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने प्लेन फट बनाएंगे बच्चों के लिए, इसे साइड में रखेंगे। इसमें सबसे पहले हम मसाला मिक्स करेंगे। इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें सभी चीज़ें मिक्स कर लिया है। में थोड़ा पानी डालेंगे, 2 से 3 स्पून जितना। देखिए इस तरह, इसे एकदम पतला सा मत बनाइए घोल को, नहीं तो फट अच्छे से सेट नहीं होंगे। इसे 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम बच्चों के लिए बनाएंगे। हमने गैस पर फट का सांचा रखा है, अभी गर्म भी हो गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पर रखा है। अब इसमें हम फट का बैटर डालेंगे। इन सभी खाचों में फट का बैटर भर लेंगे। हमने गैस का फ्लेम मीडियम पर रखा है, अब इसे ढक देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे एक साइड से पकने देंगे। अभी 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसमें थोड़ा साइड से तेल डालेंगे। अभी 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसे पलट देंगे। अब इस तरह की कोई भी नोकीली चीज़ से इसे पलट सकते हैं। इसे धीरे से पलटिए। इसे और थोड़ा तेल डालेंगे। इस साइड से भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अभी साइड से पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसे पलट देंगे। इस साइड से भी पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसे निकालेंगे। ये देखिए, मैंने बच्चों के लिए बनाया है, ये बनकर तैयार है। अब दूसरे बनाएंगे हम। अब हम प्याज वाले बनाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये प्याज वाले आटे का बैटर इसमें डालेंगे। हमने प्याज के फट का बैटर इसमें पूरे खाचों में डाल दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए देंगे, उसके बाद इसे पलटेंगे।
अब एक साइड से सीखते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पर रखा है। अब इसे पलट देंगे, बड़े आराम से पलटिए। इस साइड से सीखते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे धीरे से पलट देंगे। इस साइड से भी 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से पकाएंगे। अब से इस साइड से भी 2 से 3 मिनट तक पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। इस साइड से भी सीखते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए पलटेंगे इसे। अब ये फट बनकर तैयार है, इसे निकालेंगे। बाकी के भी इसी तरह बना लेंगे। मैं आपको और एक तरीके से बताती हूँ। डोसे का तवा गर्म हो गया है, एक टिश्यू के पेपर से उसे अच्छे से पोंछ लेंगे। हम इसी फट के बैटर से चीला भी बना सकते हैं, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सुबह नाश्ते में नहीं तो शाम में चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये भी चीला अच्छा लगता है खाने के लिए। अब इसमें तेल डालेंगे साइड से, इसे एक साइड से पकने के लिए देंगे। मैंने गैस का फ्लेम हाई पर रखा है। अब इसे एक साइड से सीखते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसे पलट देंगे धीरे से। देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है इसका। थोड़ा तेल डालेंगे। ये इस साइड से भी सीख गया है। अब इसे निकालेंगे। हमारा फट बनकर तैयार है। ये प्लेन फट बच्चों के लिए है। ये मैंने आपको चीला भी बनाने का तरीका बताया है, ये भी खाने बहुत अच्छा लगता है। और ये प्याज वाले है, 3 तरीके से मैंने आपको बनाना दिखाया है। इसे नारियल की चटनी के साथ खाइए, खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।